मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहाँ के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरतपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहां के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां के किसानों को दिया है और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। मक्का किसानों, कोदो कुटकी, दलहन तिलहन किसानों को भी भाजपा और अधिक लाभ देगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी तो कांग्रेस ने धोखा ही किया है। छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार अधिक से अधिक तेंदुपत्ता खरीदने वाली है, अधिक दाम भी देगी और उन्हें ज्यादा बोनस भी देगी।